हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या है, बिना पढ़ाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। द रीजन बींग, जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊंगा तो आपको चैप्टर बाउंस मारने के पूरे चांसेस हैं। तो उसके लिए आपको जो बेसिक चीजें पहले से पता होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको लेक्चर्स वन बाय वन प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे इस टॉपिक में भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शंस लिखते हैं वो एक ही लाइन में लिखते हैं एंड बिना डायग्राम के हम उसको समझ सकते हैं। पर अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन को या फिर उसके इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको वो लेक्चर बाउंस मारने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस वजह से आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने के पहले ये देख रहे हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए समझते हैं। एक्चुअली देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये आपका एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, राइट? यही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्वेशन है, जिसको आप देख करके बिना डायग्राम के बता सकते हैं कि यहाँ पे एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया गया है एंड किस तरीके से हाफ हाफ सेल में रिएक्शंस हो रही हैं। व्हाट इज हाफ हाफ रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये दो वेसल्स के अंदर रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स, दो वेसल्स में हो रही है। इसका मतलब ये है कि हाफ रिएक्शन उसमें होगी एंड हाफ सेल रिएक्शन उसमें होगी, अलग अलग वेसल्स में होगी। तो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन दोनों हाफ सेल्स में क्या रिएक्शंस होती है, कैसे लिखा जाता है, चलिए उसको वन बाय वन समझते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला रूल है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इक्वेशन को लिखने जाते हैं, ओके, तो आप सबसे पहले कैथोड जो है उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ओके, तो अगर आप यहां देख रहे हैं कि हमने कॉपर लिखे हैं, कॉपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमने जो इलेक्ट्रोड लिए, जो कैथोड है वो कॉपर का बना हुआ है, उसको सबसे राइट हैंड साइड पे लिखते हैं एंड जो एनोड होता है एग्जैक्टली उसको लिखते हैं सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जिंक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो एनोड लिए हैं वो आपने क्या लिए हैं, दैट इज द जिंक। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहला तरीका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब जब हम ये एनोड या फिर कैथोड को लिखते हैं तो सिंपल सी बात है, ये मेटल होगा या फिर सॉलिड फेज में होगा, राइट? तो बाय डिफॉल्ट सॉलिड फेज में ही कंसीडर करके चलते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स को लिखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का आयन इन द सेंस केटायन लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं एनोड लिखा हुआ है जिंक, अब यहाँ पे जो आपको सिंपली यहाँ पे जो केटायन मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट से, दैट इज व्हाट जिंक 2+ आयन मिल रहा है। ओके, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जब कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड के पहले क्या लिखा हुआ है, Cu2+, तो ये उसका इलेक्ट्रोलाइट का हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, केटायन हमको मिल रहा है। वही लिखा हुआ है कि कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं उसके जस्ट पहले, राइटिंग द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, उसका इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखते हैं। ओके, और वो क्या होता है, एक केटायन होता है। तो उस समय जो मेटल है कैसे फॉर्म में होती, दैट इज सॉलिड फेज में, ये आपको पहले से पता है क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस में देख के आए हैं कि हमको जो वहाँ पे मेटल्स मिलती है वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे एक डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि हमने इन दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ की है। ये वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, कि जो वर्टिकल लाइन है वो ये बता रही है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, अलग अलग मेंशन कर रहे हैं कि ये मेटल है एंड ये केटायन है। इसका मतलब ये मेटल है एंड केटायन है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती है। ओके, एंड उसके बाद आप एक और चीज देख रहे हैं कि ये ब्रेकेट लगा हुआ है। अभी ब्रेकेट का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट से आयन मिले हैं, ओके, दैट इज Zn2+ या फिर Cu2+, ये कितने मोल्स के हैं, इट मीन्स उन इलेक्ट्रोलाइट को आपको सिंपली लिखना है यहाँ पे कि उनकी मोलरिटी कितनी थी। क्लियर है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द ब्रैकेट आई मीन पैरेंथेसिस साइन, दैट इज द मोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस जिसको हम हाफ सेल बोलते हैं, राइट, इनके बीच में दो वर्टिकल लाइन्स आपको दिख रही है। ये दो वर्टिकल लाइन्स का मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जो दो आपने वेसल्स लिए हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए, एनोड के लिए अलग वेसल एंड कैथोड के लिए अलग वेसल्स, तो उन दोनों वेसल्स को एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, जो कि उल्टे यू शेप में इस टाइप के होता है, ओके, इस इन्वर्टेड यू शेप में होता है, उससे कनेक्ट किया जाता है। अब अगेन द क्वेश्चन इज कमिंग, आई नो कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली ये टॉपिक अपने आप में बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, तो मैं वन बाय वन चीज़ें आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जैसे हमने पहले देखे कि गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, आज हम देख रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगले लेक्चर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका काम क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है। फिलहाल इसको होल्ड पे रखिए, आप बस इतना याद रखिए कि दोनों वेसल्स को कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ओके, एंड वही सॉल्ट ब्रिज आपको यहाँ पे
टू वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका तो क्लियर हो गया होगा। अब इस पर भी अगर मैं बहुत इनडेप्थ नहीं कर सकता हूँ डिटेल में बात, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पर अब आपको लिखने का तरीका एटलीस्ट आइडिया आ गया है। जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल डेनियल सेल की बात करते हैं, तो डेनियल सेल में क्या होता है जनरली कि आप एज अ एनोड जिंक रॉड लेते हैं, ओके दैट इज एनोड, एंड कैथोड के लिए आप कॉपर की रॉड लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसके लिए ZnSO4 लेते हैं सपोज करें, एंड इसके लिए CuSO4 लेते हैं, तो हमको आयंस Zn2+ मिलते हैं जो कि 1 मोलरिटी का होता है, एंड ये हमको वहाँ पे कैटायन मिलते हैं ओके एट द एनोड, एंड कैथोड पे हमको मिलता है Cu2+ आयन, ओके इट मीन्स कॉपर आयन, एंड इसको कनेक्ट किए सॉल्ट ब्रिज से। अभी इसी बात इतना ही समझिए ओके। बस इसके आगे जो एक बताने की चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पे ही होता है। कीप इन माइंड मैंने उनके साइन बदला हूँ, एनोड निगेटिव कर दिया हूँ, कैथोड पॉजिटिव कर दिया हूँ फॉर द गैल्वेनिक सेल और द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बट ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन का रूल कभी चेंज नहीं होने वाला है। एनोड पे पहले भी ऑक्सीडेशन ही होता था, अभी भी ऑक्सीडेशन ही होगा, कैथोड पे पहले भी रिडक्शन होता था, आज भी रिडक्शन होता है, लेकिन इसको हाफ सेल बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने सेव कर दिए हैं, सेपरेट कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट वेसल्स, ओके। एंड सॉल्ट ब्रिज वो जनरली आपको सैचुरेटेड मिलता है, दैट इज KCl। एनीवेज जब मैं सॉल्ट ब्रिज पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है वही चीज़ स्टूडेंट्स आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एज अ फॉर्म ऑफ द थ्योरी लिखा हुआ है, ओके। जो एक चीज़ मैंने बताना मिस कर दिया हूँ कि ये आपको पहले से पता है, आप 12th में पहुँच चुके हैं तो फिजिक्स का लो आपको इतना पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। आई नो यू एवरीवन नोज, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।